पिंड दे लोकां ने ही चोरां नूं काबू कर लिया। पिंड दे विच आए दिन ही चोरी दीआं घटनावां वधदीआं ही जा रहीआं सन, जिस कारण पिंड दे वासी बहुत परेशान सन। पिंड दे नौजवान बाइक ते जा रहे सी अते इन्ने चिर नूं ही उन्हां ने दो व्यक्तियों नूं बाइक ते कुछ समान लिजाउंदे होए देखिआ तां उन्हां नूं शक होया, जिस तों बाद उन्हां ने दोहां नूं रोकण दी कोशिश कीती तां उह अपनी बाइक लै के मौके तों फरार हो गए। पिंड दे लोकां ने दोहां दा पिछा किया अते फिर उन्होंने घेरा पा के फड़ लिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक दोवें नौजवान नशे के आदि सन अते नशे की पूर्ति दे लई उन्होंने वलों चोरी की घटनावां नूं अंजाम दिता जांदा सी, जिस तों बाद मौके ते ही पुलिस नूं सूचित किया गया अते पुलिस दे वलों दोहां चोरां नूं गिरफ्तार कर लिया गया अते उन्हां पासों एक लोहे का गेट भी बरामद होया, जिस तों चोरी करके वह मौके तो फरार हो रहे सन। तां खबर हुशियारपुर के टांडा तो सामने आई है, जिथे कि पिंड के लोगों के वलों ही चोरों नूं काबू किया गया। दो चोरों नूं रंगे हाथी फड़िया गया। दस दिए कि पिंड के नौजवानों नूं इन्हां ते शक होया सी, जिस तों बाद उन्हां ने इन्हां दा पिछा किया अते फिर घेरा पा के दोहां चोरों नूं फड़िया जांदा अते फिर इन्हां नूं पुलिस के हवाले कर दिता जांदा। मिली जानकारी के मुताबिक पिंड दे विच पहलां भी चोरी दीआं कई घटनावां हो चुकियां सन, जिस नाल कि पिंड के वासी परेशान सन अते हुण उन्हां दे वलों घेरा पा के दो चोरों नूं काबू किया गया। इदां जी कि फोन आया और मैनूं पता लग्या कि मैं मौके पर आ गया ते साढ़े जिहड़े पुलिस मुलाजम हैगे उन्होंने जिहड़े चोर हैगे उन्होंने रिकवर किया और एक गेट जो है वह भी इन्होंने को रिकवर किया। हुण इह थाने लैके जा रहे और कल नूं शिकायत दित्ती जाएगी। बिल्कुल होनी चाहिए है, क्योंकि पहले भी पिंड कई चोरियां हो चुकी हैं, इदा किसी के एंगल बढ़ ले किसी के डाले चक ले तो इन्हें तो कार्रवाई होनी चाहिए है। मेरा नाम रणधीर सिंह। रणधीर जी, अज तुहाडे पिंड दो चोर फड़े हुए है, तुसीं ते जिहड़े हुण पुलिस नूं फड़ांदे, की मामला है, कित्थे फड़े? ये मामला जी, ये लै के जा रहे मोटरसाइकिल ते अपना और अग्गे इन्हां नूं मुंडे मिले अपने पिंड दे, उन्होंने इन्हां नूं थोड़ा बोलिया ते इस बंदे ने उन्हां मुंडिया की लाइट बंद कराती, कहिंदा मोटरसाइकिल की लाइट बंद करो, लाइट बंद की। उस मुंडे ने फटाफट ये उहदे कहण ते रुके नहीं और इन्होंने किया कि फटाफट उस मुंडे ने मौके का फोन करके चार पांच मुंडियां नूं बुला के रस्ते सारे बंद करते, जिहड़ा रस्ते बंद करते तो फिर ये बंदे उस गेड़े में आ गए तो शमशान घाट को गेट लैके भजदे, तां उन्होंने फड़े गए। इन्हां नाल ये दो बंदे मौके पर फड़े गए तो दो बंदे इन्हां नाल दे भज गए जी। भज गए जी। इन्हां ने पिंड का समान तो जी गिनती च नहीं आता, लेकिन ताज़ा ताज़ा इन्हां ने दो ट्रैक्टर दियां पिछों वाली जी ट्राली चुकण वाली फटियां होंदियां हुण जस्ट कढ़ियां ने, ते नाल ही इन्हां ने ट्राली का टाला एक साढ़े पंडित ने उन्होंने ट्राली का टाला हुणे चोरिया तकरीबन पांच छे दिन पहला, ते हुण ये साढ़े आंगनबाड़ी स्कूल का गेट थगा उन्हूं ये चोरी करके ले जा रहे थे। ये बिल्कुल नशे जी इस वेला दो तन जी, इन्हों नशा शराब इन्होंने पीती है नहीं, इन्होंने कोई अंदरूनी नशा किया जी। हाँ कोई इदा की चीज़ है, मतलब शराब की ना कोई स्मैल नहीं है। इन्होंने असं मांग करते हैं जी जिन्हों जिन्हों का समान चोरी होया इन्हों को वापस दिलाया जाए। गेट लगा होया सी, इह गेट चक के ना चक्की दे कोल पहुंच गए सी, साडे पिंड दे मुंडे कुछ थल्ले नूं जांदे पए सी मोटरसाइकिल ते, उहनां ने इहनां इहनां मुंडियां ने चोरां दोनां ने दवाका मारिया लाइट बंद करो, उहनां नूं शक पै गया, देखिया तां इहनां कोल गेट सीगा तो ये इन्नी तेज़ भजे कि फतेहपुर के जो शमशान घाट हैगा इन्होंने गेट में उत्थे लगाता, उन्हें एक मुंडा मोटरसाइकिल चला रहे जे अपने से, दूजे ने सारे मुंडे ने फोन करता, असी जकदम ही उत्थे पहुँच गए तो इन ये दो जने है, इन्हों के नाल भी इन्हों दो बंदे होर है, उन्होंने ना नहीं लै रहे, असी तो पुलिस अगर बेनती करा उन्होंने भी ना सामने आने के। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने तो पहल के आधार से होनी चाहिए क्योंकि वो चोरी का माल नहीं लेंगे, क्यों लेंगे? आंगनबाड़ी स्कूल के कोल गेट चोरी किया, उतो मुंडे इन्हों के पिछे लगे थे, उन्होंने फतेहपुर जाके इन्होंने पकड़ लिया। पहले भी इन्होंने कोई चोरियां करते जस्ट अज कोई छे सत दिन हुए, इन्होंने ट्रैक्टर की ट्राली का डाला वो भी चोरी करके लै गए ने इन्हों। हाँ जी, मेरा सी जी, मैं हाँ जी हाँ जी मेरा लै गया।
ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨੇ ਬਸ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਇੱਧਰ ਵੇਲੇ ਬੁੱਲੇ ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਗਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਐਂਗਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।